बदीन ज़िले जो ॾाकिणो हिसो आहे, उहो मुकमल पाणी न पहुचण जे करे ट्रेल जेका आहे उहो मुकमल तबाह आहे। उते जा आबादगार ज़मीनदार जेके माण्हू पोरियतो आहे, जिन्हनि जी ज़रात सां जिन्हनि जो तलेको, उहे बिल्कुलु तबाह ऐं बर्बादु थी विया, छाकाणि त ज़रात ख़तमु थी वई। इरीगेशन पुरानी थी, उसको तो हम जानते थे, उसके तरीक़ेकार को तो हम जानते थे। सीडा जो नई आई है, सीडा की मालूमात हमारे इल्म में नहीं थी, वो अलायंस वालों ने हमारे को मुहैया की। LADP ने 2014 मार्च में इंडस कंसोर्शियम के साथ आक्सम नोब की फनी और माली माउनत के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, IWG यानी कि इम्प्रूविंग वाटर गवर्नेंस। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद ये था कि अक्रमवा के टेल एंड पर जो छोटे फार्मर्स रहते हैं, उनके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उन फार्मर्स को सेंसिटाइज किया जाए उनके इश्यूज़ पर, ताकि वो मुतहरक हो के मुनज़म हों और अपने मसाइल को हल करने के लिए वो खुद से अपने एफर्ट्स लें। लोगों को एक आवाज़ मिली है, उनको अपने हकूक़ का पता चला है कि वाटर राइट्स क्या हैं, जस्टिस क्या होना चाहिए, हमारे मसाइल हम खुद हल कर सकते हैं, उसके लिए कौन से रास्ते हैं, एडवोकेसी के कौन से टूल्स हैं। LHP जो प्रोग्राम खड़ी है पानी मुतलक, उन में असांखे बुनियादी मालूमात मिली वही, जंहिंमें असांखे इहा ख़बर पई त सीडा में छा छा करणो आहे, सीडा जो जेका बनावट कीअं। मैं कहता हूं त ऐसा अलाउंस और भी हो, इसी के सारे अलाउंस बने और वो अपना आवाज़ और बताएं और पाकिस्तान में ये आवाज़ पहचाएं और दुनिया को ये बताएं कि हमारा ये नुकसान हो रहे हैं, हमारे ज़राइत में ये नुकसान हो रहा है। इतनी ये अच्छी ज़मीन थी कि खुदा की कसम तुम्हारे साथ मैं लेता हूँ कि हम हमारी दिल चाहती थी हमारे के चार कड़े इधर मिल जाए इधर, तो ये हमारी जो इधर की ज़मीन है 10 एकड़ से 4 एकड़ ज़्यादा है, अच्छी है। असी बिछाई हुई है TPS रेगुलेटर, माना ये मेन कैनाल अक्रमवा कोटड़ी ब्रांच का अचे पो, इन की टेल में अस बिछाई हुई आखिरी इन टेल इन मजा टे शाखू निकरंद हुआ सनी गुनी जो कडण के पानी दे थी, अली बंदर के पानी दे थी, यही है अलीवा लार्ज जो निंदो शहर के पानी दे तो मिठी थ्री के पानी दे तो यही है स्केप पो बारिश पौधी है में अस इन वाहन के बचाईंदा अस अलीपुर का वी पानी लगन वो जो पानी थी वो अस इन में क्रॉस कर स्केप में के छोटे आबादगार जो है उसकी मेहनतों से उनके तावन से अलहमदुल्ला आज हमारे जो अलीवा की जो है वो मिशन चल रही है, उसकी खांटी भी चल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी मंसूबा बनता है, उसमें लोगों को शामिल किया जाए, पैरोकारी के ज़रिए, बातों के ज़रिए, टेबल टॉक्स के ज़रिए मसले हल करे कराए जा सकते हैं। अभी अलीवा की खोटाई हो रही है, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी हमारे इलाके में कुछ ना कुछ पानी जो है वो मिलेगा, पानी आएगा और ज़रा तो बेहतर होगी। तमाम बेहतर उम्मीद है जो पानी मिलन असांगे, असांजी आबादियों थींदियों, असांजी ज़रात हलंदी, तो असांजा नंढड़ा बच्चा हैं जहाँ वड़ा आयूं असीं, असांजी ने पानी मिली हो तो असांगे हर शय दुनिया मिली वेंदी। इस प्रोजेक्ट का एक ये भी मकसद था कि जो टेलेंट के फार्मर्स हैं वो जब मुनज़म हों तो उनमें ख़वातीन की भी नुमाइंदगी शामिल हो, जो कि पिछले एक्सपीरियंस में कहीं भी नज़र नहीं आती, ना कि किसी गवर्नमेंट के किसी सेटअप में, जैसे कि सीडा कैडर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसमें किसी औरत की शमूलियत नहीं है, गो के काफ़ी सारी औरतें हैं जो लैंड ओनर हैं। जितो मर्दन के हक ओतरो अवं भी हक है, अभी पैं आवाज़ उथारियो अग्न वही सो थे ओतरी आज़ादी है, पैं हक वो कानून के जरिए या कोर्ट के जरिए अड़ा मसला भी हल कर सो थ ओतरी आज़ादी अभी घुमी सो थे, मन भाई घुमन था फिरन था इं आज़ादी है। इतनी हमें तरबियत दे गए हैं कि हम अपने मसले खुद अब हल कर सकते हैं। पुछड़ी वाले इलाक़ में अड़ा सेमिनार कराजन, इरीगेशन एक्ट तहत मानों के बुधाजे, उनको है बाकायदगी से पूरा निज़ाम उनके समझाजे, तो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट या मीडिया गजी करे इन सजे निज़ाम के बेहतर आनी सके थी। ये एक छोटी कोशिश है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्शंस तय होंगी, रास्ते निकलेंगे। पायलट प्रोजेक्ट है, एक मसाइल की निशानदेही हुई है और छोटी लेवल पे ही सही मगर एक मिसाल कायम हुई है जिसको आगे फिर रिप्लिकेट करने की ज़रूरत होगी। हम ये बताना चाहते हैं कि हम आगे भी ये जो है ये काम करना चाहते हैं, आगे भी जाएंगे तो ये अनाउंस बनाएंगे, ये
इतिहाद बनाएंगे कि हमारा जो ज़राइत का मसला है वो हल हो जाए। उतर लो तो